यहाँ पे बेस कलर में ब्राउन सीएना का यूज़ किया है और थोड़ा ऑयल मिक्स किया, ऑयल और टर्पेंटाइन, और एक वॉश दिया था। और अभी जो ड्राइंग कर रहा हूँ वो ब्राउन अंबर सेट कर रहा हूँ मैं, थोड़े जो फीचर्स है डार्क टोन में अच्छे से आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हमारा बेसिक ड्राइंग तो कंप्लीट हो गया, और जो अभी टोन होते हैं जैसे कि अभी मिडल टोन है, डार्क टोन है, तो वो करना है। मिडल टोन के लिए ब्राउन सियाना यूज़ किया है, और जो डार्क टोन है उसको ब्राउन टम्बर यूज़ करो, थोड़ा ब्लू का भी टच दिया है। अभी यहाँ पे और थोड़े डिटेल्स कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आईज का हो गया, नोज़ का, नीचे का डार्क शेडो है, तो ये करने से वो हमें एक उभर कर आएगा, हमारा डेफिनेशन डिवाइड हो जाएगा कि कहाँ पे डार्क टोन आने वाला है, कहाँ पे लाइट टोन आने वाला है।
स्किन कलर का जो फीलिंग है उसके लिए मैं वर्मिलियन व्यू कलर और ऑरेंज इन दोनों का 50-50% कलर यूज़ किया है, और उसमें वाइट इससे मैं लाइट टोन और मिडल टोन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मिडल टोन दोनों मिक्स करके थोड़ा वाइट मिलाया है। अभी हम जो कलर फील कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि ब्रश को ज़्यादा घिसना नहीं है, जो भी कलर्स होते हैं ना वो डल ना हो जाए, तो हल्का हल्का ऊपर ही ऊपर उसे फील करना है। ज़्यादा ब्रश को घिसेंगे तो मतलब थोड़ा डैमेज सा हो जाता है पेंटिंग, फ्रेशनेस नहीं रहता उसमें। अभी जो आइस का पार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो उनके वाइट आइब्रोस के पार्ट है थोड़े से, तो वो वाइट कर रहा हूँ। और आइस के लिए ब्रन टम्बर और अल्ट्रा मरीन ब्लू का यूज़ किया है।
यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बेस में ऑयल और ये जो वॉश दे के रखते हैं तो उसको हम इजीली इरेज कर सकते हैं, और जो हमारा ड्राइंग है तो उसे सही कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर बियर्ड का पार्ट बनाने के लिए ना मैं फैन ब्रश होते हैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें जैसे कि कॉर्नर में सिंगल सिंगल हेयर भी है, तो उसका यूज़ करके थोड़ा ऑयल लेके या टर्पेंटाइन लेके तो आप हल्का सा एक स्ट्रोक में हेयर अच्छे से बना सकते हैं। तो उसी का यूज़ किया है फैन ब्रश का, सिंगल सिंगल हेयर भी आप अच्छे से उसमें से बना सकते हैं। यहाँ पर डार्क टोन के लिए ब्राउन सेना और ब्राउन डम्बर का यूज़ किया है। और आप जब भी ऐसे डिटेल्स करना हो तो अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते तो आप ऐसे स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं डिटेलिंग फील करने के लिए। या बैलेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप स्केल यूज़ कीजिए ताकि परफेक्ट आए।
यहाँ पे उनकी जो टोपी है उसमें फील करने के लिए वाइट, ब्राउन डम्बर और ब्लू का यूज़ किया है, अल्ट्रा मरीन ब्लू। यहाँ पे भी अभी सिंगल सिंगल हेयर दिख रहा है जो छोटे छोटे पार्ट में, तो वहाँ पे भी फैन ब्रश का यूज़ किया है।